अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी एक ऐसे शख्स से, मुलाकात आपकी करवाई जाएगी जिनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। जी हाँ, एक उस्ताद की शख्सियत में वो छाँव, वो नरमी और वो अपनापन, वो खलूस होना चाहिए जो पनाह दे दे, जो हिफाजत करे, जो आपको छाँव मैसर करे। जिस तरह वालदैन हमें एक खूबसूरत छाँव मैसर करते हैं, इसी तरह एक उस्ताद का किरदार भी हमारे लिए एक घने पेड़ की मानिंद ही होता है, जिससे हम फल भी हासिल करते हैं और सुख भी और छाँव भी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी बहुत सारी शनाख्त हैं, बहुत जहतों पे काम कर रहे हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, शख्सियत के एतबार से बहुत धीमे, बहुत नर्म मिजाज हैं, लेकिन तालीम के मैदान में, तरक्की के मैदान में, तहकीक के मैदान में अगर हम बात करें तो चंद उन बड़े नामों में इनका शुमार होता है जो हमारे लिए यकीनन सरमाया है और बहुत कीमती है। हमारी बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आई हैं, मजलिसी बिल्कुल नहीं है, पब्लिक होना पसंद नहीं करते, कॉलम निगार भी हैं, महक्किक भी हैं, अफसाना निगार भी हैं और एक बहुत ही मुशफिक और बहुत ही बेहतरीन उस्ताद भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपके मिजाज के बरखिलाफ़ हमने आपको राज़ी कर दिया। आपकी इनायत आपने याद फरमाया, बहुत शुक्रिया। सर बहैसियत उस्ताद आपकी एक अपनी शनाख्त है, पहचान है, नर्म खुई से आप बात करते हैं, मसाइल को भी हल करते हैं लोगों के, मैंने ज़ाती तौर पे देखा। और नाज़रीन मैं बता रही चलूँ, मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे तालीमी करियर में डॉक्टर ताहिर मसूद साहब का एक बड़ा रोल है। मेरे ऑनर्स से लेके और पीएचडी तक तमाम मराहिल में मेरी रहनुमाई बहैसियत उस्ताद तालीम देने में, तरबियत करने में, बहुत सारे मामलात में मेरे लिए रोल मॉडल हैं, आइडियल हैं, मेंटोर की हैसियत रखते हैं। सर आपके बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है, आप बहुत कोऑपरेटिव हमें नज़र आते हैं, दीगर जो शोबे में हमें नज़र आते हैं असातज़ा, उनमें एक अलग आपकी शनाख्त है। ये आपने इंटेंशनली मिजाज बनाया या बचपन से ही ऐसे थे? मैं समझता हूँ कि तदरीस के पेशे में जो भी आता है उसके अंदर दो बातें बहुत ही बुनियादी जो होनी चाहिए जी, एक तो मोहब्बत का जज्बा, ठीक है, खिदमत का जज्बा, ठीक है, और तहसील इल्म और तरसील इल्म का जज्बा। अच्छा, ये उस्ताद की शख्सियत इन तीन चीज़ों से बनती है। ठीक है, अगर उस्ताद में मोहब्बत नहीं होगी, सही, और इल्म देने के लिए एक खिदमत का जज्बा नहीं होगा, और इल्म हासिल करने और इल्म को फैलाने का जज्बा नहीं होगा, तो एक अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता है। तो मैंने कोशिश यही की है कि जो चीज़ें अगर मेरी शख्सियत में कम हैं तो तदरीस के पेशे में आने के बाद वो चीज़ें पैदा की जाए। अच्छा, मिजाज हम कैसे थे, बचपन में कैसा था? बचपन में लड़ाके उड़ाके थे? नहीं, लड़ाके का किस्सा एक छोटा सा बता दूं। जी बिल्कुल। बचपन में एक मतलब एक लड़ाई हुई। अच्छा। एक लड़की को मैंने मुक्का मार दिया। अच्छा। और मुक्का भी उसके गाल पे मारा। ठीक है, दांत वांत टूट गए? नहीं, दांत वांत तो नहीं टूटे, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। अच्छा, तो सुबह किसको? आपको नींद नहीं आई? पिटने वाले को हो सकता है उसको नींद ना आई हो। ठीक है, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। ठीक है, बहुत अजियत कर रहा मैं। अच्छा, अगले दिन उसे तलाश करके फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना। सही। उसके बाद फिर मैं किसी से मिला। ठीक है, बड़ी मिजाज वाकई जो बचपन में होता है वही आगे बढ़ के नज़र भी आता है और इंसान की शख्सियत में भी। वालदैन का एक बड़ा किरदार होता है, आपका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जिनकी नस्बतें इल्म से, तहकीक से, कुतुबीनी से जुड़ी रहीं। वालिद साहब ढाका की बात, वालिद साहब जो है असल में हम ईस्ट पाकिस्तान से आए, जो अब मरहूम मशरिकी पाकिस्तान कहलाता है, बांग्लादेश हो गया है। तो राजशाही एक शहर था छोटा सा, ठीक है, दरियाए पद्मा के किनारे आबाद एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर, और बहुत ही डेवलप तरक्की याफ्ता शहर था। अयूब खान के ज़माने में बड़ा काम हुआ वहाँ। ठीक है, मेरे वालिद साहब और मेरे चचा, सही, तो उनकी किताबों की दुकानें थी, तकरीबन तीन दुकानें किताबों की थी। सही। तो उसमें एक किताबों की दुकान जिसको जिसकी निगरानी या जिसकी देखभाल मेरे वालिद से मरहूम करते थे, उसका नाम था उर्दू लाइब्रेरी। उर्दू लाइब्रेरी? हाँ। अच्छा। शहर में बंगाली और लाइब्रेरी उर्दू। सही। उर्दू लाइब्रेरी,
तो स्कूल जाते हुए और वापस आते हुए मैं उस दुकान में ठहर जाता था। सही। और वो उर्दू की किताबें, दास्तानी किताबें, दास्तान अमीर हमजा, तिलिस्म होशरुबा वगैरह वगैरह, उर्दू डाइजेस्ट, नुकूश, नफ्स के शुमारे, फिर बच्चों के रिसाले, बच्चों की दुनिया, नौनिहाल, तालीम व तरबियत। तो इस ये समझिए कि मुताला करने की आदत जो है वो उसी लाइब्रेरी की वजह से पड़ी। अच्छा, जिस उम्र में आपने पढ़ा वो सारी किताबें, समझ तो सारी नहीं आई होंगी, क्योंकि मेरा तजर्बा है, मैंने अब्बा की लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हाँ, मंटो भी पढ़ लिया, कृष्ण नगर भी, असमत चुगताई भी पढ़ ली, समझ नहीं आई। पढ़ना आता था, बाद में समझ आया। आपके साथ हुआ है? मेरे साथ ये हुआ कि शुरू में खुश किताबें नहीं पढ़ी मैंने। अच्छा। हाँ, दिलचस्प पढ़ी। दिलचस्प यानी किस्सा, कहानियाँ, दास्तानें, ठीक ठीक, कुछ शायरी, नज़्में वगैरह। सही। तो इस वजह से पढ़ने में दिल लगता गया। सही। अच्छा, फिर आपने लिखने की तहरीक, एक आपके अंदर बड़ी जोश मारा, एक मुसन्निफ ने, एक तख्लीक कार ने, तो पहली क्या तख्लीक थी? मेरा ख्याल है कि एक तो बात यह है कि जो लेखक जो होता है, जो राइटर होता है, कोई एक जरसुमा तो उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल। लिखने वाले का, तख्लीककार का जरसुमा, तो वो जरसुमा तो मेरे अंदर था। ठीक है। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मेरे अंदर एक लिखने की ख्वाहिश जो है वो पैदा होती गई। सही। चुनांचे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कहानी लिखूं। सही। तो कराची से एक रिसाला एक जमाने में निकलता था, आदाब अर्ज। अच्छा। उसमें सिर्फ सच्ची कहानियाँ छपती थी। ठीक है। और उसकी खास बात ये थी कि हर कहानी के ऊपर वक्त मुताला दर्ज होता था। वक्त मुताला 15 मिनट, वक्त मुताला 55 मिनट, यानी 15 मिनट में, हाँ 15 मिनट में आप पढ़ लेंगे इसे। सही। ये तो बड़ी प्यारी बात है। बहुत ही प्यारी बात है। ये बात फिर किसी और साले में नजर नहीं आई कि जिसमें वक्त मुताला दर्ज हो। सही। तो मैंने उसके लिए एक कहानी लिखी। एक हमारे एक मुशाहदे में एक अफेयर आया। अच्छा। ठीक है ना। तो हमने उस अफेयर पर एक तजर्बे में तो खैर आज तक नहीं आ सका। तो ये मुशाहदे और तजर्बे की जो है ना गुत्थी सुलझेगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है। तो वो उस पर हमने एक कहानी लिख दी। ठीक है। और हम हालांकि थे क्लास 8 में, 8वीं जमात के तालिबे थे। सही सही। ठीक है ना। सही। तो वो कहानी जो है वो हमने भेजी, वो छप गई। अच्छा। तो छप गई तो हम, छोटा सा शहर था, थोड़े से लोग थे, तो वहाँ तो एक हंगामा हो गया सब, तो कोई लिखने वाला कहानीकार आ गया। फिर उसके बाद लिखने का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि शहर में फसादात, हंगामे 1973 के इलेक्शन के बाद। मैं उस वक्त मैट्रिक का तालिबे इल्म था। अच्छा। तो उसमें फिर हमारा घराना लहर का शिकार हुआ, घर लुट लुटा गया। फिर आखिरी बहरी जहाज से हम यहाँ आए। सही। यहाँ मैंने सेंटर यहाँ पढ़ा, यानी सिंध मदरसा में, यहाँ मैंने मैट्रिक रिजल्ट वहाँ से आया। सही। फिर यहाँ कॉलेज जो मैंने ज्वाइन किया वो जामिलिया कॉलेज, कराची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साबिक थे डॉक्टर महमूद हुसैन जी, उनके बड़े नाम पे लाइब्रेरी भी है, जिनके नाम से हमारी कराची की लाइब्रेरी भी। उनके बड़े भाई थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हिंदुस्तान के सदर भी बने। सही। और उन्होंने मौलाना मोहम्मद जौहर वगैरह के साथ मिलकर के वहाँ जामिया कॉलेज, जामिया दिल्ली कायम की थी। तो उसी तर्ज पर डॉक्टर महमूद हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के छोटे भाई, उन्होंने यहाँ जामिया कॉलेज कायम किया मलीर में। ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा को उन्होंने हायर किया उस जमाने में, यानी प्रोफेसर करार हुसैन, कितना बड़ा नाम, जो बाद में बुल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, वो हमारे अंग्रेजी के उस्ताद थे, प्रोफेसर अताउल्लाह हुसैनी साहब, प्रोफेसर वहीदुल्लाह नज़मी साहब, बहुत अच्छे असातिज़ा, बहुत अच्छे असातिज़ा। तो वहाँ से आप, तो फिर वहाँ मैंने इंटर किया, तो वहाँ फिर शायर अदीब हज़रात से मेरी दोस्ती हो गई। सही। तो अदबी हलकों में आना जाना हुआ। ठीक है। और फिर उसी जमाने में, कॉलेज के जमाने, फिर लिखने लिखाने का बाकायदा आगाज हुआ। ठीक। फिर कराची यूनिवर्सिटी में जब हम पहुंचे तो फिर हमारी कहानियां। ठीक है। हाँ। कराची यूनिवर्सिटी की कहानियों का जिक्र होगा एक छोटे से वक्ते के बाद, क्योंकि सारी कहानियां संजीदा नहीं होंगी, कुछ रंगीन होंगी और कुछ गमगीन होंगी। एक छोटा सा वक्ता। लड़कियां मेरे कॉलम का इंतजार किया करते थे कि इस मर्तबा ताहिर ने क्या लिखा है। और भी तो कोई इंतजार करता होगा, ये तो राहत की बातें हैं। कोई हिमाकत हुई जिंदगी में, कोई बेवकूफी हो गई, बाद में हंसी आई हो, ये क्या कर दिया मैंने।
خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب. اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے کچھ کہانیوں کی, کچھ جامعہ کراچی کی بات ہے. جی سر. تو میں جب کراچی یونیورسٹی میں آیا تو میں نے جو سب سے پہلی کہانی لکھی وہ تو تھی مشرقی پاکستان کے سانحے کے بارے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جس کا نام تھا اندھی لہروں کا دکھ, جو کراچی یونیورسٹی کے میگزین میں وہ چھپی. صحیح. اور اس میں میں نے وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور سارا سانحہ اس کو میں نے بیان کیا. آپ نے اس کو پریکٹیکلی خود بھی سارا دیکھا تھا, اس اذیت سے گزرے تھے. بالکل. تو وہ سارا آپ کا تجربہ تھا. دوسری کہانی بھی میں نے اسی حوالے سے لکھی, مگر وہ تھا وہ بحری سفر جو میں نے کھلنا سے کراچی کی بندرگاہ تک کیا تھا. ٹھیک. یہ کوئی 15 دن کا بحری سفر تھا. ٹھیک ہے. ہمارا بحری جہاز بھی بھٹک کر سری لنکا کی طرف نکل گیا تھا. بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے. تو اس تجربے کو میں نے کہانی کا موضوع بنایا جس کا نام تھا سمندر کی جیل. سمندر کی جیل. اور وہ افسانہ میرا احمد ندیم قاسمی صاحب رسالہ نکالتے تھے فنون جی لاہور سے, میں نے انہیں بھیجا. ٹھیک ہے. انہیں وہ کہانی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے نہ صرف اسے شائع کی بلکہ اپنے ادارے میں ذکر کیا اور ایک ایسا فقرہ لکھا جس کی وجہ سے میں بڑا سوچتا ہوں تو شرمندہ سا ہو جاتا ہوں. میرا اور ایک اور خاتون افسانہ نگار جو نئی تھی میری طرح بالکل, انہوں نے ہم دونوں کا نام لکھ کے لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کے افسانے ڈھونڈنے کے لیے لائبریری میں فنون کی شمارے تلاش کر رہے ہوں گے. وہ وقت تو خیر کبھی بھی نہیں آیا. لیکن آپ تدریس کی طرف آ گئے. ہاں یہ بھی ہے کہ میں تدریس کی طرف آیا. اور پھر ایک اور وجہ بھی ہوئی کہ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ ادب پڑھنے کا رجحان جو ہے نا وہ کم ہوتا گیا. ہاں ایک زمانہ تھا جب لوگ سبرنگ ڈائجسٹ جاسوسی ڈائجسٹ میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے. اچھا یونیورسٹی کی بات آپ نے کی, زمانہ طالب علم کیسا تھا؟ ہمارا زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کراچی یونیورسٹی کا آئیڈیل زمانہ تھا. آئیڈیل زمانہ اس بات سے تھا, ایک تو جمہوریت تھی, صحیح, الیکشنز ہوتے تھے. ٹھیک ہے. الیکشنز میں ساری پارٹیاں شریک ہوتی تھیں, ساری طلبہ تنظیمیں حصہ لیتی تھیں. اس میں کچھ بائیں کی بائیں بازو کی جماعت, پروگریسو گروپ تھا, لیبرل گروپ, مذہبی گروپ, جمعیت وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اچھا ان میں نظریاتی میں تو ظاہر ہے کہ جمعیت میں تو نظریاتی فاصلے تو بہت تھے, لیکن نظریاتی فاصلے ہونے کے باوجود ذاتی تعلقات ایک دوسرے سے بہت ہی اچھے تھے. یعنی ہم لوگ دن کے اوقات میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے, تقریریں کرتے تھے, اور دوپہر کو کینٹین میں ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک ہیلدی انوائرمنٹ, صحت مند. ٹھیک ہے. اور مجال ہے جو کوئی تشدد, لڑائی جھگڑا, ہاتھ پیر سے, ڈنڈوں سے, لاٹھی سے, اسلحے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو کوئی لڑائی ڈنڈے اور بوتلوں بوتلوں سے جو لڑائی ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی تھی. وہ بھی نہیں ہوتی. وہ بھی بہت بات کی بات ہے. تو ہمارے تعلقات اور مراسم, جیسے میں جمعیت میں تھا مگر ہمارے این ایس ایس کے لڑکوں سے, لبرل کے لڑکوں سے, بلکہ میں آپ کی دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا 15 روزہ اخبار ہم نکالتے تھے جس کا میں ایڈیٹر تھا, اس کا نام تھا تحریک. ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ 8 سال پوڈیم کے چاروں طرف لڑکی لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں. تو میں نے ان کے کریکٹرز بنائے اور ایک کالم مستقل شروع کیا 8 آڈیٹوریم کے نزدیک. ٹھیک ہے. اور میں نے اس میں کچھ کریکٹرز بنا لیے, آوارہ گرد بنایا, ایک فری تھنکر ایک کریکٹر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ فری تھنکر اور آوارہ گرد اور اس طرح کے کریکٹرز کے ذریعے وہ جو کچھ میں دیکھتا تھا 8 آڈیٹوریم کے دن ہو رہا ہے وہ سارا لکھ دیتا تھا ان کے مکالموں میں. تو اس کی وجہ سے ہوا کہ اس ارد گرد بیٹھنے والے لڑکے لڑکیاں میرے کالم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ اس مرتبہ طاہر نے کیا لکھا ہے. اور بھی تو کوئی انتظار کرتا ہوگا, یہ تو بتا نہیں رہے راز کی باتیں ہیں اس کی زندگی میں کون ہوگا. ہاں ہاں جی. تو بس اس کو تو رہنے ہی دیجیے. کوئی نہیں سر, راز اب راز کی عمر گزر گئی سر. ابھی راز یہ ہے کہ مطلب آپ خوش شکل تھے, خوش لباس بھی تھے, اچھا لکھتے بھی تھے, فیمس بھی تھے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن میرے ساتھ ایک پرابلم تھی. وہ کیا تھا؟ اپنے امیج کے سلسلے میں بہت سینسیٹیو تھا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب
लिखने वाला कैसे हो सकता है कि वो तबीयत उसकी रोमांटिक ना हो, ठीक है ना? बिल्कुल। शेर कहने वाला, अफसाना लिखने वाला, लेकिन जो जिस चीज ने मुझे रोके रखा वो चीज थी अपने इमेज का ख्याल। अच्छा, कभी कि मेरा इमेज को बुरा नहीं होना चाहिए। होगा जिंदगी में मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है कि ये बातें ऐसी हैं जो पसे पर्दा रहे तो अच्छा है, तो अच्छा है। हाँ। अच्छा, किसी को आप अच्छे लगे होंगे, किसी कोई हिमाकत भी। लेकिन यकीन जानिए मेरा कभी कोई ऐसा अफेयर नहीं आया। अफेयर नहीं, मतलब अफेयर पूरी बड़े मजबूती से, बड़े पक्के अंदाज में अफेयर आया नहीं कहीं। हाँ, कभी। ठीक है। हाँ। पता नहीं चला ना, मंजरे आम पे नहीं आया। चलेंगे भी ठीक है। हाँ। अच्छा, तो कभी कोई हिमाकत हुई जिंदगी में, कोई बेवकूफ़ी हो गई? हाँ, जिंदगी में बेवकूफ़ी और हिमाकत, बाद में हंसी आई हो, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं, मेरा ख्याल है कोई हिमाकतें कोई ऐसी काबिल जिक्र नहीं। ठीक है। छोटी मोटी हिमाकतें तो हर किसी हर आदमी की ज़िंदगी में होती रहती हैं। और मेरे साथ एक मसला और भी है। वो मसला ये है कि बात में बहुत देर में समझ में आती है। अच्छा। अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज। शादी अरेंज मैरिज हुई और लेकिन देखा मैंने देखा, मैंने देखा। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त थे जिनसे आप भी वाकिफ होंगी, मुझसे ख्वाजा साहब, उनसे हमारे बहुत अच्छे मरासिम थे। तो मेरी खुश दामन साहबा जो हैं, शकीला रफीक, वो भी अफसाना निगार, अफसाना निगार, आठ अफसानवी मजमूए हैं उनके। तो मुझसे मुश्किल ख्वाजा साहब ने एक मरतबा कहा कि भाई कि क्या शादी वादी का प्रोग्राम नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, वो घर वाले तलाश कर रहे हैं मगर मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा। सही। तो उन्होंने कहा कि भाई एक घराना मेरा ऐसा है, वहाँ एक बच्ची ऐसी है कि अगर मेरा बेटा होता, मैं वैसे तो वाला वलद हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उससे शादी कर देता। तो मैंने कहा ख्वाजा साहब आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि अब उसके आगे, मैंने कहा आप मुझे उस घराने से मुतारिफ करा दीजिए। तो हम उस घर में सिर्फ एक मरतबा गए, देखा हमने, फिर हमने अपने घर वालों को बताया कि भाई वहाँ आप जाके देख लें। तो फिर मेरी वालदा वगैरह गई, भाभी वालदा वगैरह गई, उन्होंने भी पसंद किया इस तरीके से। ये बिल्कुल, ये शरीफाना सी शादी, ये शरीफाना सी शादी, शरीफाना। और ये हक सच की जो गुफ्तगू है इसकी तस्दीक होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। हमें बहुत कम याद है, पापा को गुस्सा आया हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है तो फिर वहाँ कहते कि नहीं ये गलत, तो मतलब एक लिमिट, एक लिमिट, एक लिमिट, मतलब सच बोलना, दिल्ली दुखाना, लाजमी में बड़े हो चुके हैं। ठीक है। परफ्यूम्स है, लेकिन लाते जरूर। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो तस्दीक करेंगे कि डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे थे हमारे ब्रेक पे जाने से पहले, उनमें क्या सदाकत है और कहाँ कहाँ थोड़ी सी डंडी मार दी है डॉक्टर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन मिसेस डॉक्टर ताहिर मसूद हुमा, और ये बेटी हैं फिलज़ा, और सबसे छोटी हैं आमना, और बेटे हैं ज़ुबैर। माशाल्लाह पूरी फैमिली मौजूद है, बड़ी बेटी नहीं है, वो शादीशुदा है। ठीक है। अच्छा भाभी, डॉक्टर साहब बड़ी सच्चाई से बातें करते हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े खरे हैं, कह तो यही रहे हैं, साबित भी यही हो रहा है, लेकिन घर का हाल जो होता है वो अलग ही होता है। ये हर वक्त सच, हक सच ऐसे ही रहता है? मोस्टली। अच्छा, और कभी कभी जो नहीं रहते वो क्या रहते हैं? ज़्यादातर इसी तरह की ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने, और इनके आपने देखे होंगे कॉलम्स जो लिखते हैं, ठीक है, और जिस टॉपिक पे ये बातचीत करते हैं कॉलम के थ्रू, उससे भी इंसान की शख्सियत का पता चल जाता है कि उनका क्या मिजाज क्या है, और बड़े सख्त किस्म के कॉलम भी इन्होंने। अच्छा, घर में लड़ते वड़ते हैं, गुस्सा करते हैं? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, लड़ाई इस सेंस में नहीं है कि थोड़ा सा ये आर्गुमेंट तो होता है, लेकिन ये कि गुस्सा नहीं। यानी ऐसी लड़ाई के बड़ा मजा आया लड़ाई में। ठीक है। सही सही, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या सच्चाई है।
अच्छा फिलजा कैसे हैं? बाबा कहती हूँ, पापा कहती हूँ। पापा कैसे हैं मिजाजन? मिजाजन बहुत नरम है। अच्छा, जैसे बाहर वालों के साथ है वैसे ही घर वालों के साथ है। ठीक है। बहुत लाइट मोड के और बहुत सॉफ्ट स्पोकन। हमें बहुत कम याद है पापा को गुस्सा आया हो बचपन। अच्छा, से अब तक जबरदस्त। और आमना सबसे छोटी होती है, छोटे ज्यादा लाडले होती है, नखरे भी ज्यादा होते हैं, फरमाइशें भी ज्यादा होती हैं। तो तुम्हारी फरमाइशें होती हैं? जी मेरी बहुत फरमाइश होती है। फरमाइश होती है ज्यादातर? यही कि कहीं छोड़ दें और कहीं से ले। अच्छा, खाना पीना, होना है दोस्तों के साथ, जाना है, घूमना है, फिर जाए खाना पीना। और किस चीज़ का मना करते हैं पापा? किस चीज़ का करते तो नहीं, नहीं करते नहीं है किस चीज़ का मना, लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है तो फिर वहाँ पे कहते हैं कि नहीं ये गलत, तो मतलब एक लिमिट, एक लिमिट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जुबैर, आप माशाल्लाह बेटे जो होते हैं वो बाप को ज़्यादा फॉलो करते हैं, फादर्स अक्सर आइडियल होते हैं। पहले तो ये बताओ कि क्या पापा आइडियल हैं तुम्हारे? काफ़ी सच्चे करे आदमी है, और क्या कहते हैं मतलब पाबंदी कभी नहीं लगाई, मतलब हमेशा मुझे अच्छी बात बता दी और उसके बाद मतलब तुम्हारे ऊपर। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब अच्छा बड़े हो गए, लाजमी ये बड़े हो चुके हैं। ठीक है, ये सबसे अहम बात बताई जुबैर ने कि ये बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो बड़े हो गए तुम तो, अब क्या मामला थे? अब 18 साल उसको प्रैक्टिकल करें। जी जी, ठीक है, ठीक है। बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके, और क्या कहेंगी कि इसमें तरबियत में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? दरअसल मैं थोड़ी आग तो लगाऊं ना तो मजा नहीं आ रहा। इसका जो आग है इसका मैं दो आग देती हूं कि आप चुप रहे होने की बारी। जब बच्चे मेरे छोटे थे, ठीक है, तो नेचुरली जब मेरी शादी हुई है तो उसके बाद इन्होंने पीएचडी किया। ठीक है, तो मेरी शादी के आई थिंक 4 इयर्स के बाद या 5 इयर्स के बाद इन्होंने पीएचडी के लिए, ठीक है, अप्लाई किया। और मतलब जिस तरह इन्होंने पीएचडी की, ठीक है, तो वो मुझे याद है कि इंडिया जाना और वहाँ के 5 शहर और पूरा रिसर्च में लगे रहना। तो नेचुरली उस वक्त तो बच्चे छोटे थे, दो बच्चे मेरे थे, जी दो बच्चे, कुरतुलैन जो मेरी बेटी है माशाल्लाह मैं वो, और ये। अच्छा, फिर उस वक्त तो इतना टाइम, और मोस्टली मैं तो यही समझती हूँ कि बिगनिंग में तो माँ का ज़्यादा किरदार होता है, ठीक है, लेकिन जब ग्रोइंग एज में बच्चे एंटर होते हैं 10 से प्लस, 10 to 15, तो स्पेशली क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा है, तो फिर 12 to 13 years के जब ये हुए हैं तो फिर नेचुरली इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनका ये रहा कि बाद में इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। ठीक है, ठीक है, बच्चे थोड़े बड़े हो। हाँ, वो सर की किताब का टाइटल भी है ना, शायद मैंने देर लगा दी। मैं समझती हूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो रहा ना ये अच्छा। अच्छा, डॉक्टर साहब शॉपिंग वगैरह कराते हैं आपको? शॉपिंग नहीं, पैसे दे दो, गिफ्ट वगैरह कहीं जाते हैं टूर में लाते हैं? हाँ बिल्कुल लाते। क्या क्या फरमाइश होती है? इनको तो परफ्यूम बहुत पसंद है, मैं इनके ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो क्या लाते हैं सबसे ज्यादा? जैसे शुरू में कभी गोल्ड सऊदी अरब वगैरह चले गए तो कुछ अपना ले आए, इयररिंग्स ले आए, अब ये कि परफ्यूम्स हैं की चीजें, लेकिन लाते जरूर। अच्छा, बेटियों की एक अलग ही अटैचमेंट होती है बाप के साथ, एक अलग केमिस्ट्री बनी हुई होती है। बेटियों की तो होती है, वो तो बाहर भी होते हैं अंदर, लेकिन एक लाड होता है और डॉक्टर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी ज़रा ज़्यादा होता है। तो बेटियाँ जब आपके साथ ज़्यादा कोई फरमाइश कर देती हैं, पूरी भी नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं? पहली बात तो मैं वादे कर दूँ, साहब दादे मेरे एक लौते हैं, लेकिन अगर वो बुरा ना माने तो सच्ची बात बताऊँ, मुझे बेटियों से ज़्यादा प्यार है। मुझे उनसे भी प्यार कम नहीं है। हाँ, लेकिन बेटियाँ होती स्वीट है। डॉक्टर साहब खाने में कैसे चूजी है? नहीं, आपको नहीं। ये क्या पका दिया? मैं नहीं खाऊंगा ये, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेबल पे क्या चीज सबसे बुरी लगती है? नहीं, कभी बुराई कुछ भी नहीं लगता।
ठीक है कि ये चीज नहीं है तो बस नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ आपके अलावा नहीं नहीं खाने में कोई वो नहीं कोई कोई चॉइस बस किताब है इनकी फर्स्ट चॉइस अच्छा ठीक है कुछ कहना चाहेंगे आखिर में फादर के लिए कोई वन वर्ड कोई विश अबू के लिए तो बस ये है कि बेस्ट ऑफ फॉर द फ्यूचर आगे और भी मतलब काफी सारे अबू के अपने क्या पिदराना किस्म का कॉम्प्लीमेंट आया है वाह जबरदस्त ठीक है हम ना कुछ कहना चाहूंगी पापा मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये एक मेरी इंस्पिरेशन है और मैं मतलब जो ये मुझे सिखाते हैं तो मैं बिल्कुल जिस तरह से ये है उसी तरह से मैं भी बनना चाहती हूँ पापा ने जितना आज तक काम किया और जो पापा की नेचर रही है हमेशा से तो ज़्यादा लोग मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बस ये चाहती हूँ कि जितना पापा रिकॉग्नाइज द वैल्यू होनी चाहिए जितनी पापा की मैं बस ये दुआ करती हूँ वो हमेशा रहे पाए और आप क्या कहेंगी प्राउड ऑफ हिम जबरदस्त ये तजर्बे की बात है ना एक जुमले में उन्होंने बता दिया जबरदस्त ऐसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी फैमिली है इस फैमिली के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट कोई कुछ कहेंगे नहीं सच्ची बात यह है कि मैं इस एतबार से एक बहुत खुशनसीब वालिद हूँ कि मेरे सब बच्चों में एक बात कॉमन है पता है वो क्या है क्या ये सब मोहब्बत ही मैं प्राउड फील करता हूँ मेरी बीवी भी ऐसी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आपने हमें वक्त दिया ज्वाइन किया और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो है ही ये बहुत कीमती लम्हात यकीनन ये जिंदगी के यादगार लम्हात आपके लिए भी होंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद थी और कामयाब लोगों के साथ जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जिन लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं जिनका साथ होता है उनका आप तक पहुंचना उनसे आपकी मुलाकात करवाना भी हमारे लिए एक मकसद भी होता है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है उन कामयाब लोगों के ज़िंदगी के हवाले से जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनके इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं तभी हमें हमारे लिए इस माशरे के लिए एक खूबसूरत फर्द मंजर आम पे आता है ये फैमिली ऐसी हंसती रहे मुस्कुराती रहे खुश रहे हमारी दुआएं हमेशा आबाद रहें एक छोटा सा वक्फा और फिर गुफ्तगू मोहब्बत आजकल की झूठ और धोखा उर्दू सारी ज़िंदगी उर्दू ही की रोटी खाई है बड़ा मायने खेज जवाब है एक माँ है समझने का ना समझाने का प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर मसूद साहब और डॉक्टर साहब से बात हो रही है बहुत सारी दिलचस्प बातें भी हैं जिस तरह मैंने इब्तदा में भी कहा कि बहुत जहतों पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे एजाजात भी हासिल कर चुके हैं सर बहुत सारे एजाजात हैं आपके क्रेडिट पे बहुत सारा काम भी है तकरीबन 18-19 स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी आप कर चुके हैं और बहुत सारे अभी मौजूद हैं इस वक्त जो कर रहे हैं इसके अलावा आपने 20 से ज़ायद कुतुब हैं जो आपकी मंजर आम पे आ चुकी हैं वो किताबें और मज़ीद अभी कुछ ज़ेर तबा भी हैं और शायरी भी की आपने बहैसियत शायर आपने ज़्यादा काम नहीं किया थोड़ा ही काम किया नहीं मेरी शायरी की जो है ना एक किताब तो आई है जो शायद मैंने देर लगा दी जिसमें नज़्में भी हैं गज़लें भी हैं हाइको भी है बिल्कुल एक किताब मेरी है मेहरबान अल्लाह के लिए नज़में ठीक है ना तो वो हर नज़्म जो है अल्लाह के बारे में ठीक है और एक वेब चैनल पे वो नज़्में जो हैं वो आ भी रही हैं ठीक है ना बिल्कुल एक किताब है जो सिर्फ मोहब्बत हर नज़्म मोहब्बत के बारे में मोहब्बत की जो डिफरेंट शेड्स हैं ना ठीक है अच्छा सर आपके बहुत सारे तकरीबन 18-19 पीएचडी आपके सुपरविजन में आपने ग्रहण रहे आपने कराया तालिबे इल्मों को और अभी बहुत सारे कर रहे हैं बहुत सारी किताबें 20 से ज़ायद किताबें और बहुत अभी कुछ ज़ेरे तबात भी हैं ज़ेरे तबात भी शायरी के हवाले से भी आपने काम किया शायरी की एक ही किताब है बाकी तो मुख्तलिफ नसर निकाली है दो मुसव्विदे जो हैं
شاعری کے زیر طبع ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہے مہربان اللہ کے لیے نظمیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہر نظم جو ہے وہ اللہ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ رویہ ہم نہیں رکھتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جس طرح ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے, جس طرح ان سے ہمیں اپنی ہر ضرورت کے لیے اور ضرورت سے بلند ہو کر بھی, ٹھیک ہے نا, اتنی خوبصورت کائنات انہوں نے بنائی ہے, اس کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے. تو وہ ایک نظم ہے جو ہر نظم اللہ کے بارے میں, ہر ایک ویب چینل پہ وہ نظمیں آ بھی رہی ہیں. اور تیسری کتاب جو ہے وہ محبت کے بارے میں, کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو جس چیز کا فقدان ہے نا وہ ہے محبت کا فقدان. ٹھیک ہے نا. پڑوسی کو پڑوسی سے محبت نہیں. ٹھیک ہے نا. بیوی اور شوہر کے تعلق میں بھی اب محبت سے پر مفاد غالب آتا نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوستوں میں بھی, ٹھیک ہے, ملنے جلنے والوں میں بھی, رشتے داروں کے درمیان بھی, بالکل جو چیز ہے فقدان وہ محبت کا ہے. صحیح. کیونکہ محبت ایثار, قربانی اور خلوص اور جان سادی کا نام ہے. بالکل. تو میں نے پھر ایک کتاب, ایک نظموں کی ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں ہر نظم محبت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کا عنوان بھی ہے محبت ہی سبھی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ دو میری نظموں کی کتابیں آئیں گی, تو اس طرح یہ تین کتابیں. صحیح. اچھا, آپ نے پھر شخصی خاکے ہیں, دو افسانے بھی ہیں آپ کی. شخصی خاکوں کی دو کتابیں ہیں, کوئے دل بنا اور اوراق ناخواندہ. تیسری کتاب زیر طبع ہے, رنگ برنگے لوگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور افسانوں کی میری دو کتابیں ہیں, تارے حدیدے دو رنگ اور گمشدہ ستارے. ٹھیک ہے. دو ناولٹ میں نے لکھے ہیں, ایک ناولٹ میرا چھپ گیا ہے, ساری کا ٹھیک ہے نا, اسلام آباد سے چھپائیے, اور ایک داستان نا تمام. ٹھیک ہے. وہ اب ناولٹ میرا آنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کریٹو سائڈ ہے میرا, میری جو. بالکل. اچھا, پھر آپ کے انٹرویوز کی بھی ایک مجموعہ ہے پورا, یہ سورت گر کچھ خوابوں, اس میں سمجھیے کہ فیض احمد فیض, اشفاق احمد, یعنی عصمت چغتائی, سب کانفیڈنٹ کے جتنے بڑے نام ہیں ان کا مکمل تعارف اور ان سے گفتگو اور مکالمہ. اچھا سر, آپ کی کیونکہ ایک بہت زیادہ تجربہ ہے, لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں, بحیثیت استاد روزانہ ہزاروں طلباء سے آپ کی ملاقات رہتی ہے, زیادہ زمانہ شناس بھی ہو جاتا ہے انسان, زیادہ لوگوں سے ملتا ہے, سمجھتا ہے معاملات کو الگ انداز میں دیکھتا ہے. کیسے زندگی کو اور تجربات کو, جو آپ کے تجربات ہیں, ان سے کیا نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا منبع کیا ہے؟ معاشرتی مسائل جو ہیں ہمارے, اس میں جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا, اس میں ایک بنیادی چیز ہے ناشکر گزاری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. قناعت پسندی کی کمی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنے حالات سے صلح کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک سمجھوتے کے ساتھ اپنے آپ کو خوش رکھنا, اپنے آپ کو راضی رکھنا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں زندگی سے غائب ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر طرف جو ہے وہ زر پرستی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پیسے کو نعوذ باللہ تقریباً خدا کا درجہ دے دیا ہے. بالکل. اچھا, اور تو غلط بھی نہیں دیا ہے ان معنوں میں کہ ہماری ہر ضرورت پیسے ہی سے پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن پیسے کی اہمیت میں جو ایگزیجریشن ہم نے کی ہے نا, جو مبالغہ ہم نے کر دیا ہے, اس سے کیا ہوا ہے, اس سے ہر تعلق میں پیسہ. ٹھیک ہے نا. اپنے کام میں, اپنے پروفیشن میں, اس میں بھی پیسہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور جب پیسہ پیسہ پیسہ, تو پھر جائز اور ناجائز, حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا قناعت بھی ہونی چاہیے زندگی میں, شکر گزاری, اور اپنے نصیب پر راضی ہونا ہی خوش نصیبی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے نصیب پہ آدمی راضی ہو, کوشش کرنے میں, اپنے حالات کو بہتر کرنے میں, توانگری میں, خوشحالی میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چیزیں شارٹ کٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں گی, تو معاشرتی نظم جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. مقدر کی اور نصیب کی آپ نے بات کی, کیا بلیو رکھتے ہیں کہ جو بس لکھ دیا گیا ہے زندگی میں بس وہی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے اس کا تصور ہی واضح نہیں ہے. تقدیر نام ہے علم الہی کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ آگے چل کر کیا کیا کرے گا. صحیح. لیکن اللہ کا یہ جاننا بندے کے عمل میں خارج نہیں ہوتا. صحیح. بندہ عمل کرنے میں آزاد ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہوتا. آپ کو بہت سارے اعزازات ملے,
ایک بڑا اعزاز 2014 میں آپ کو تمغہ امتیاز ملا صدارتی ایوارڈ برائے تعلیم اور بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ بھی آپ کو مل چکا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے اعزازات ہیں. ان اعزازات میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایوارڈز ملے ہیں کہ سب سے اہم کیا ہے, سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ملی کہ یہ اعزاز مل گیا؟ پتہ نہیں مجھے یہ واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے کہ اس میں کسی کی دل آزاری کا پہلو ہو سکتا ہے, لیکن میں نام لیے بغیر جی جب یہ تمغہ مجھے ملا تو ظاہر ہے کہ بہت لوگ مبارکباد دینے آئے, ٹھیک ہے نا. تو ایک صاحب جن سے میری بے تکلفی تھی, میرے عزیز تھے, میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا آپ مبارکباد دینے آئے ہیں تمغہ امتیاز ملنے پر, تو یہ تو آپ جس نے یہ اعزاز دیا ہے اس کی پذیرائی کر رہے ہیں نا. میری کہاں پذیرائی کر رہے ہیں؟ میری پذیرائی تو آپ اس وقت کرتے جب میں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آپ نے پڑھی ہوتی, ٹھیک ہے, اور آپ آ کے کہتے کہ بھائی طاہر میاں تم نے یہ کتاب بڑی شاندار لکھی, تو میرا اس سے دل خوش ہوتا, ٹھیک ہے نا. آپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں نے لکھا کیا ہے, آپ کو صرف یہ معلوم ہوا کہ صدر مملکت نے تمغہ دیا تو آپ بندے کو کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کا دل بھی چاہ رہا ہے اور یقیناً بہت سارے پہلو ابھی رہ گئے آپ کی زندگی کے, آپ کے پروفیشن کے حوالے سے, آپ کے ایکسپرٹیز کے حوالے سے. ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں ریپڈ فائر, چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب, تو وہ آپ نے پھر جو پہلا جواب آپ کے ذہن میں آئے گا وہی آپ کو دینا, بالکل سچائی کے ساتھ. ہاں بالکل سچائی. یہ بڑا خطرناک سیگمنٹ لگ رہا ہے مجھے. نہیں نہیں خطرناک نہیں, آسان سے کریں. شی جی محبت جانے ساری جانے. سیاست آج کل کی, جھوٹ اور دھوکا, ٹھیک ہے. آلو گوشت پسند ہے؟ پسند ہے, ٹھیک ہے. اردو ساری زندگی اردو ہی کی روٹی کھائی ہے, ٹھیک ہے. اردو کی روٹی بڑا معنی خیز جواب ہے. خوشبو ہاں مشام جا معطر ہو جاتا ہے. واہ. ٹیکنالوجی بہت سے مسائل کا حل اور بہت سے مسائل کا سبب. مسائل کا سبب. الو رات کو جاگتا ہے, ٹھیک ہے. کچرا اگر پڑوسی کا نہ ہو, یہ بھی صحیح ہے. اور کراچی آزمائش کی بہت بڑی گھڑی سے دو چار, ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں ڈاکٹر طاہر مسعود, ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. واہ جی واہ, زبردست. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. سر بہت خوبصورت آپ کا انداز بیان ہے اور آپ جب بات کرتے ہیں تو کافی مجمع کو قائل بھی کر لیتے ہیں. گھر میں کیا قائل کر پاتے ہیں لوگوں کو؟ ایک تو میں کوشش کرتا ہوں گھر میں سر جھکا کے رہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اختلاف نہ کروں, ٹھیک ہے, اور ہر معقول بات کو مان لو, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر گھر لکھنے والے کے لیے گھر کا پرسکون ہونا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں گھر کو پرسکون رکھنے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ بیگم میری جو ہیں ان میں ایک خوبی ایسی ہے جو عام طور پر ویڈیو میں ذرا کم کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے مجھے آزادی دے رکھی ہے, صحیح ہے, کہ میں لکھوں پڑھوں کچھ بھی کروں وہ مجھ سے تعرض نہیں کرتی, سیدھے کام کر رہے ہیں اس لیے آزادی میں دیجیے. کام بھی تو سیدھے کر رہے ہیں نا. اچھا سر بہت کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی اور کراچی شہر کے حوالے سے بات چل رہی ہے, آپ بھی اس شہر کے باسی ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے آپ نے, اور میرا خیال ہے کہ جتنی محبت اس شہر سے ہمیں آپ کو شاید اس سے زیادہ ہوگی, وہ اس لیے کہ ایک تکلیف دہ سفر گزار کے آپ اس شہر میں آئے ہیں. تو کیا کہیں گے اس شہر کے حوالے سے, اس ملک کے حوالے سے؟ دیکھیے اس شہر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, اور وہ اس ملک کا بھی مسئلہ ہے, اونرشپ نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے, اون نہیں کرتا کوئی اسے, ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا شہر ہے, سب کا سوتیلا ہے, شہر سے کام نکالو, ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا آپ, ٹھیک ہے. تو اونرشپ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی ہمارے ملک اسی طرح سے یہ ملک میرا ہے, یہ شہر میرا ہے,
ये गांव मेरा है, ये देहात मेरा है, जब मेरा है इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत इनायत और बहुत सारी आपसे, आपने बहुत से खतरनाक राज निकलवाने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उससे महफूज रहा। बिल्कुल, ये आपकी कामयाबी, इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। बातें करते हैं दिलचस्प तहरीरों की तरह, अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत दिलचस्प है, और जब आप सोचते हैं कि एक मौलम से गुफ्तगू कर रहे हैं तो यकीनन संभल के करनी पड़ती है, लेकिन ये सर का खासा है कि वो अपने तालिबे इल्मों के साथ भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत दोस्ताना माहौल है। इस शहर के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से सोच रखते हैं, एक वाज़ह पैगाम भी है, और मेरा ख्याल है कि वाकई हम सबको जब तक ओन नहीं करेंगे, जब तक अपनाएंगे नहीं इस मुल्क को, इस शहर को, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। फ़ख्र कीजिए अपने आप पर, अपने मुल्क पर, अपने शहर पर, अपने पाकिस्तानी होने पे। मेड इन पाकिस्तान मेरा ख्याल है यही हमारा नारा होना चाहिए और यही हमारी चॉइस होनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, दोस्त अहबाब का, सबका ख्याल रखा कीजिए, और कोशिश करें कि ये रिश्ते अनमोल हैं, इनको थोड़ा थोड़ा वक्त देते रहें और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते रहें। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।